क्वेश्चन नंबर टू इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट इज अदर एट ओ देखो एक्स वाई और एम एन ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एंगल पी ओ वाई इज नाइन्टी डिग्री ये एंगल हमें नाइन्टी डिग्री गिवन है ये नाइन्टी डिग्री है और रेशियो गिवन है हमें ए एंड बी का ए एंड रेशियो बी इक्वल टू टू रेशो थ्री हमें सी एंगल फाइंड करना है सी एंगल फाइंड करने के दो तरीके हैं लेकिन दोनों ही तरीकों में हमें या तो ए पता होना चाहिए या बी सपोज हमें बी पता है अगर बी पता है तो बी प्लस सी इक्वल टू वन एटी लीनियर पेयर तो हम यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इनकेस अगर हमें ए पता है तो ए प्लस नाइन्टी देखो ये पूरा एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो ए प्लस नाइन्टी इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा तो हमें दोनों ही कंडीशन के लिए या तो ए या बी पता होना चाहिए तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे उसके बाद फिर हम एंगल सी फाइंड करेंगे देखो हमें गिवन है ए रेशियो बी इक्वल टू टू रेशियो थ्री हम यहाँ लेट कर लेते हैं जब भी कभी रेशो गिवन हो तो इन नंबर्स में रेशो के नंबर्स में किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यूज़ को सपोज कर लेते हैं तो लेट ए इक्वल टू टू एक्स एंड बी देयर फोर बी इक्वल टू बी ऑटोमेटिकली थ्री एक्स हो जाएगा अब देखो ए ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल लीनियर पेयर है एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू वन एटी डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्स ओ पी हमारे पास क्या है एंगल ए और बी दोनों ए और बी मिलके एक्स ओ पी बनता है तो यहां पे आ गया ए प्लस बी प्लस नाइन्टी इक्वल टू वन एटी क्योंकि पी ओ वाई तो नाइन्टी है ए की वैल्यू कितनी ली हमने टू एक्स और बी के लिए थ्री एक्स आ गया 2x एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस इक्वल टू वन अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 2x एक्स प्लस थ्री एक्स एट इज फाइव और 180 में से 90 माइनस करेंगे तो आ गया 90 x इक्वल टू नाइन्टी डिवाइडेड बाई फाइव यह आ गया 18 x आने का मतलब हमारे पास a और b दोनों आ गई a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इन एटीन दैट इज 36 सिक्स और बी की वैल्यू आ गई थ्री इंटू एटीन फिफ्टी फोर जब दोनों एंगल आ गए हैं तो अब हम चाहें तो बी प्लस सी से निकाल सकते हैं सी को या ए प्लस नाइनटी से तो हम डायरेक्ट निकालते हैं कि बी एंगल बी प्लस सी एंगल बी बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वन एटी लीनियर पेयर एंगल बी की वैल्यू कितनी है फिफ्टी फोर 54 प्लस एंगल सी इक्वल टू वन और देर एंगल सी इक्वल 54. माइनस इसको सब कर देंगे 10 माइनस 4 6 आ गया यहाँ पे जाए 7 7 माइनस 5 2 और यहाँ पे बचेगा 1 126 तीसरा तो एंगल तो सी कितना आ गया 126 और इस क्वेश्चन में हमें एंगल सी ही फाइंड करना था